आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो मेवात केवल 90.4 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे इमरान खान। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सलाम आदाब नमस्कार और श्रोताओं रेडियो मेवात की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सावा शनिवार। दोस्तों बताता चलूं ये जो खास पेशकश है रेडियो मेवात की, इस पेशकश में अभी तक हमने बहुत सारे कलाकारों को आप लोगों से मुखातिब आप लोगों से रूबरू कराया है और चाहे हम बात करें नूरुद्दीन नूर एडवोकेट जो पिछले एपिसोड में आप लोगों से मुखातिब आप लोगों से रूबरू हुए थे और अगर हम बात करते हैं उनके प्रोफेशनल की तो वो एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं लेकिन वो किताब लिख रहे हैं जो जल्द ही आप लोगों के बीच में आने वाली हैं। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि उन साथियों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने हमारा पिछला एपिसोड नहीं सुना था कि पिछले एपिसोड में कौन मेहमान हमारे साथ था इस खास पेश का साबा शनिवार कार्यक्रम में, और नूरुद्दीन नूर एक उपन्यास भी लिख चुके हैं, वकालत करते हैं लेकिन जहां तक मेवात के सामाजिक कार्यों की बात है वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और कुछ ऐसे काम हैं उनके जो उन्होंने सपने देखे और उनके आगे साकार हो गए और वो सपने अपने लिए नहीं देखे, अपने लिए तो हर कोई देखता है लेकिन उन्होंने पूरे मेवात के लिए सपने देखे, वो ख्वाब देखे और वो ख्वाब उनके आगे पूरे हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे छोटे से थे तो क्रिकेट के जो टूर्नामेंट हुआ करते थे लोकल गाँव में और वहाँ पर जब नूरुद्दीन नूर एडवोकेट साहब कॉमेंट्री करते थे और इस तरीका से वो कहते थे ये जो जब जैसे चौका छक्का लगता था और कहते थे कि ये जिला बनाओ चौका, ये सिक्स जिला बनाओ सिक्स, तो इस तरीका को नारा लगाते थे और लगता था अरे क्या कहता, हम समझते नहीं थे उस टाइम, बचपन था हमारा। लेकिन आज हमने देखा है नूह जिला बन चुका है, उनका सपना साकार हो गया है और ये इससे बड़ी इंसान को और क्या खुशी हो सकती है जिस चीज़ का वो आगाज़ करे और वो आगाज़ उसी के आगे पूरा हो जाए। और बहुत सारे एक जनजागरण अभियान उन्होंने चलाया था जिसका जिक्र उन्होंने कार्यक्रम में भी किया था कि मेवात के अंदर जो बहुत सारी सामाजिक बुराई फैल रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए। और मेवाती जो लैंग्वेज है उस पर वो बेहतरीन कलम चलाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं, आप लोगों को जो उनकी किताब छपकर आ रही हैं उन पढ़ने को मिलेंगे और एक के बाद एक मैंने बहुत सारे लोग आप लोगों से मुखातिब कराया हूँ। अगर मैं नाम बताऊँ तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी, एक लंबी लाइन लग जाएगी, चाहे जय सद्दी के अहमद मेव हों जिन्होंने बहुत बेहतरीन किताबें लिखी हैं मेवात के इतिहास के ऊपर जो ये बताती हैं कि मेव कौम कहाँ से आई, कैसे मेव कौम मुस्लिम बने यानी कन्वर्ट हुए, ये सारी चीज़ बताते हैं, हमारे वंशज कौन थे और गोत और पाल क्या होती हैं, ये सारी चीज़ उन्होंने किताबों में समझाने की हमें कोशिश करी है और एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं जय सद्दीक अहमद मेव, वो भी मेवात से ही हैं, चाहे उस्मान फौजी शायर मैंने आप लोगों से मुखातिब कराए हैं, बहुत सारे लोग अगर मैं नाम बताऊँगा तो आप लोगों से मुखातिब कराए हैं। और आज मैं ऐसे कॉमेडियन के घर जा पहुँचा हूँ जो अपनी आवाज़ से अपनी कॉमेडी से मेवात कोई नहीं दुनिया का मनोरंजन करा रहे हैं। यूट्यूब चैनल आप सब देखते होंगे या बनाने की आप कोशिश कर रहे होंगे, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट पर जिन लोगों की कमांड है उन्होंने दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और आज मेवात से ऐसे युवा कलाकार मेरे साथ हैं जो यूट्यूब चैनलों पर धूम मचा रहे हैं, वो मेवात के ऊपर कॉमेडी कर रहे हैं, मेवात में किस तरीका का रीति रिवाज रहा है उसको वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव एंगल में और मनोरंजन वो आप लोगों का भरपूर कराते हैं। और मैं बता दूं यूट्यूब चैनल उनका जो है हक्कू सिंगारिया के नाम से है, ये हक्कू सिंगारिया ही हैं जो मेरे दाएं तरफ हैं और मेरे बाएं तरफ जो हैं शकील उमरी से हैं, मास्टर सगीर अहमद भी मेरे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने बहुत से एपिसोड बनाए हैं यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, तो आज क्यों ना इनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानने की कोशिश करें। यानी कार्यक्रम साबा शनिवार में ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा इनके बारे में,
बहुत सी छोटी छोटी फिल्में या हम कहें कि आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन आज इनसे जानते हैं आखिर कॉमेडी की दुनिया में आए कैसे, किसको अपना मॉडल मानते हैं। और मैं एक बात कहता हूं और मुझे फख्र भी है मेवात के ऊपर कि मेवात में टैलेंट की कमी नहीं है। जब जब इन लोगों को मौका मिला है, इन्होंने अपना टैलेंट के दम पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ये कोई कलाकार है मेवात के जिन्हें हम यूट्यूब पर देखते हैं, लेकिन आज रेडियो मेवात के माध्यम से भी आप इनके कॉमेडी से ओतप्रोत होंगे, आप सुनेंगे। और अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब सीधे ही आपको ले चलता हूँ हक्कू सिंगारिया के पास। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम शाबाश मेवात में। और हक्कू जी, मैंने बताया है लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप अपना तारुफ कराएं सभी मेवात वासियों। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मास्टर सगीर ये तेढ़ से हैं, और श्रोता को बता दूं यहाँ पर बेस्ट एक्टिंग इन करेक्टर टुट्टी का जो रोल किया था डाकू फकीरा वाले वीडियो में, भाई शकील अहमद उमरी ने उसके लिए उसे बेस्ट एक्टिंग इन एक सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है एक संस्था ने जो है ESSENCE ऑफ कल्चर, यानी उनको सम्मानित किया है। और डाकू फकीरा का रोल जो उसमें किया था भाई हक्कू ने, बेस्ट एक्टिंग डाकू फकीरा, इसको भी सम्मानित किया गया है। खैर ये जो वीडियो है फकीरा, तो आइए क्यों ना हम सुने जिसको बेस्ट कहा गया है। तो श्रोताओं आज ऐसे कैसे हो सकता है शाबाश मेवात कार्यक्रम में हम आपको वो ना सुनाए। आइए डाकू फकीरा वाला में क्या कुछ डायलॉग थे हक्कू सिंगारिया और शकील अहमद उमरी का, आइए सुनते हैं। वो सुअर के बच्चों कितनी एक आदमियां रोटीन के भरा तो बोल कैसे ना रहे, कितना आदमिया सरदार तो पूरा गांव पीछे पड़ गो, तम दो और वो पूरा गांव बिंदु का निकाई को ले गए। फिर सरदार बिंदूक में गोली थोड़ी, तो कहा उनकी आंखन में हमारा खौफ कम होगा क्या, सजा मिलेगी। अरे ओ सूतली जी सरदार, कितनी गोलियां हैं रे इसमें सरदार? 3.5 आदमी दो गोलियां, 3.5 बहुत नाइंसाफी है। इंसाफ होएगा फकीरा के राज में, इंसाफ होएगा, सजा तो जरूर मिलेगी। बताओ अभी आपने सुन लिया बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड क्यों मिला, आप लोगों ने सुना आवाज में दम था, और नेता का जो रोल किया था शकील अहमद उमरी ने टुट्टी का, उसमें भी एक दम था। ये दिखाया गया है किस तरीका के नेता होते हैं, किस तरीका का मेवात का कल्चर है, और इन लोगों ने जितनी भी वीडियो बनाई हैं वो हमारे कल्चर के ऊपर, किस तरीका के हमारे रीति रिवाज हैं, किस तरीका के हमारे नेता हैं, वो दिखाने की कोशिश की और आप लोगों को मैंने ये सुनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया फीडबैक से हमें नवाज सकते हैं, लेकिन मैं अपना पता और फोन नंबर बताने से पहले एक बात कहता हूं दोस्तों, हो सकता है आपके आस पड़ोस में भी कोई बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है बहुत अच्छा सिंगर हो, अगर इस तरीका का कोई है किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर रहा तो वो हमारे पते पर आकर हमसे मिल सकता है और कार्यक्रम शाबाश मेवात इसका हिस्सा बन सकता है। ये आप लोगों के लिए कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम है, जो आप अच्छा कर रहे हैं और मेवात का नाम रोशन कर रहे हैं, हम आप लोगों को ही सुना रहे हैं मेवात वासियों को, ताकि और बच्चे आपकी तरह बने और आगे बढ़ें। श्रोताओं उम्मीद करता हूं आज की खास पेशकश आप लोगों को पसंद आई होगी, तो नोट कर लीजिएगा हमारा फोन नंबर, हमारे फोन नंबर है 8685904904, यानी 8685904904। दूसरा हमारा नंबर है 9050-93-9099-08, ये हमारे दोनों फोन नंबर हो गए श्रोताओं। दूसरा हमारा माध्यम है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, चाहे बच्चा हो बुजुर्ग हो जवान, सभी के हाथों में स्मार्टफोन, तो फिर आप हमें मेल कर सकते हैं तो
हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है radiomevat90.4@gmail.com। ये हमारा दूसरा माध्यम है। और हाँ, तीसरा माध्यम बताने से पहले एक बात कह दूं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपकी राय हमारे लिए एक अनमोल राय है कि हम प्रोग्राम को किधर ले जाएं, कैसे प्रोग्राम करें, वो आपकी राय पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी राय, प्रतिक्रिया, फीडबैक देना ना भूलें। आप अगर इस टाइम बिजी हैं, जब आपको टाइम मिले आप चिट्ठी या पत्र लिख दीजिएगा, अपनी राय, प्रतिक्रिया, फीडबैक से हमें अवगत करा दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा हमारा पता। हमारा पता है रेडियो मेवात ट्रांजिस हॉस्टल नियर बेसनल टावर नौ मेवात। और हाँ दोस्तों, अब वक्त हो गया है आप लोगों से इजाजत लेने का, लेकिन मन नहीं करता जब हम आ जाते हैं कि आप लोगों से इजाजत ली जाए, लेकिन हमारी घड़ी की सुई टिक टिक करने लग गई है। अब मैं ज़्यादा देर आप लोगों से मुखातिब नहीं हो सकता, रूबरू नहीं हो सकता। बस जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, आप रखें अपना ख्याल और अपनों का ख्याल। फिर मिलाऊंगा एक नए ऐसे मेहमान से जिनमें होगा कुछ खास, जो कर रहे होंगे मेवात के लिए कुछ खास और मेवात का नाम रोशन। तो तब तक आप रखें अपना ख्याल और अपना ख्याल। जाते जाते आप सभी को खुदा हाफिज़।